क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय बेटा अपना टिफिन तो लेकर जा और पूरा खत्म करना, ठीक है? चल जा। चले बेटा। जगत, जगत, अरे कहाँ है तू? हाँ, हमेशा ऐसे ही करता है, काम में लगा रहता है। जगत, अच्छा जल्दी, भूख लगी होगी ना? आ गया, बैठ, बैठ। तेरे लिए खीर लाई हूँ। अरे मैं तो पानी लाना भूल ही गई, तो मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये खीर तो अमृत है अम्मा, बस इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई। अम्मा तू क्यों परेशान होती है? देख अब तुझे सुबह सुबह उठकर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और वहाँ कैंटीन में भी तो खा सकता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है वहाँ कैंटीन में खाना खाने की, समझा? वहाँ बिल्कुल अच्छा खाना नहीं मिलता। तेरी अम्मा जब तक जिंदा है तब तक मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी। तू नहीं सुधरेगी? नहीं। अम्मा मैं चलता हूँ, बल्लू का फोन है। अरे सुन तो सही। अरे तेरे खाने के चक्कर में लेट हो जाऊंगा अम्मा। तेरी पसंदीदा खीर बनाई है, खाकर तो जा। ले। कैसी है? तेरी खीर तो अमृत है अम्मा, बस किशमिश थोड़ा ज्यादा है। जगत, जगत।
जगत 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 अम्मा, आपको कोई लगी तो नहीं? नहीं बेटा, नहीं। पागल औरत, छोड़ मेरे बेटे को। सुन, आज के बाद मेरे बेटे के आसपास नजर भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। समझ नहीं आती पर बात। अम्मा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? जय, कहाँ चला गया था बेटा तू? कितना परेशान हो गए थे हम, पता है? चल कोई नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ठीक है? बैठ। जय, कितनी बार बोला है ना बेटा ऐसे बिना? जय, नहीं 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 नहीं। जय, जय 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 जय, आंखें खोल बेटा। जय, सारी मेरी ही गलती है, मुझे कैसे याद नहीं रहा कि जय चाकू या किसी भी नुकीली चीज से डरता है। जो हो गया सो हो गया ना सरला, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा जय। चल लाइट ऑफ करो, आजा। आ जाओ। जगत, देखना तेरी माँ दर्द में है और उसे उसे मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। तू मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। जगत बेटा, तू कहाँ है? तेरी माँ को तेरी बहुत जरूरत है। जगत कहाँ है तू? आजा बेटा, मेरे पास आ जा। जगत कहाँ है तू? तेरी माँ को तेरी बहुत जरूरत है। अम्मा,
ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर वो बूढ़ी अम्मा है कौन? और उनका दर्द मुझे क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है? मैं इस घर को कैसे जानता हूँ? और मुझे यहाँ का रास्ता कैसे पता चला? अम्मा, जगत, अम्मा देख, मैं तेरे लिए दवा लाया हूँ। तुझे चोट लगी थी ना, मुझे पता था कि तुझे दर्द हो रहा होगा। तू रो मत माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब सही हो जाएगा। पहले अपनी चोट दिखा। अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, लोग मुझे पागल समझते हैं और कहते हैं मेरा जगत कभी वापस नहीं आएगा। देख, अब तो मैं आ गया ना माँ, अब तुझे कोई पागल नहीं बोलेगा। पता नहीं मेरा जय कहाँ रह गया, कहीं किसी ने उसके साथ कुछ भी मत बोलो, आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं बाइक लेके जाता हूँ, देखता हूँ। हाँ। जय कहाँ चला गया था बेटा? को कहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही बाहर टहल रहा था। क्या, इतनी रात तू तो अकेला बाहर टहल रहा था? यहाँ हमारी जान निकली जा रही है। बेटा रुक जरा। जय, ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? तेरी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? मैं जय नहीं, जगत हूँ, और मैं स्कूल नहीं, काम ढूंढने जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी अम्मा का ध्यान रख सकूँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तेरी माँ मैं हूँ जय। मेरी माँ दूसरे मोहल्ले में रहती है। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। अम्मा, अरे आ गया, कितना भीग गया है तू? हाँ, छाता कहाँ रह गया? छाता तो छोड़ो अम्मा, एक खुशखबरी है। क्या? दिवाली में फैक्ट्री वाले ना बाबूजी के बीमे का क्लेम दे रहे हैं। अच्छा, अब हम नया घर लेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र, तेरे बाबूजी को गए 3 साल हो गए, लेकिन वो आज भी हमारे परेशानियों के लिए खड़े। ये बात तो है अम्मा, अब हम नए घर में जाएंगे।
अम्मा ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। अब तुझे कभी भी नंगे पाँव नहीं चलना पड़ेगा। तेरे पैर में कितने छाले पड़ गए ना। एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर क्या हो सकता है मेरे लाल। अब तो मुझे मिल गया है ना, मेरे सारे दर्द मैं भूल जाऊंगी। तुझे भूख लगी होगी ना, रुक मैं तेरे लिए जवार की रोटी बनाकर लाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना, तो इधर ही रुक मैं लेकर आती हूँ।